हाँ तो भाई, आज मेरे घर का लाइन कट गया है और मौका और दस्तूर यही बोल रहा है, बेटा तू स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओ यूट्यूब पे अपलोड कर, क्योंकि लाइन कब आएगा कोई पता नहीं है। इसलिए हम भी मौका और दस्तूर का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक चिपके रहिए, ठीक है। और एक लाइक दोस्तों आज ही, अभी ही मतलब मार दीजिए, आज तो मारना ही, अभी मार दीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, 2 ODI मैच है दोस्तों ये, ठीक है। डेट की अगर बात करें तो 11 जनवरी 2023 को खेला जाएगा, टाइम रहेगा 3 बजे, नेशनल स्टेडियम कराची, कराची पाकिस्तान में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैं आपके सामने पिच रिपोर्ट को अगर क्लियर कर दूँ एक भाषा में, तो देखिए पिच रिपोर्ट, कराची की पिच, यहाँ की पिच सपाट और फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ के पिच में जो है ना, फास्ट बॉलर को बड़ा मज़ा मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बॉलर पैदा होते हैं दोस्तों पाकिस्तान में, सबको पता है। अब कितने लोग को नहीं पता कि भाई कि पाकिस्तान के बॉलर हमेशा से ही तगड़े रहते हैं, पता है कि नहीं? अगर पता है तो भाई कमेंट करिए, और जिसको नहीं पता होगा एक्चुअल में वाकई में, वही कमेंट आज नहीं करेगा, ठीक है। जिसको पता होगा ईमानदारी से कमेंट करिए कि हाँ भाई सच में पता है कि पाकिस्तान के बॉलर वाकई में तगड़े होते हैं, और हमेशा पाकिस्तान अपने बॉलरों के दम पे मैच जीता है पीछे, फिलहाल मतलब पीछे का, अभी तो थोड़ा सा चेंजिंग आ गया उसमें, ठीक है। आज भी पिछला मैच जो, उसमें भी देखे होंगे पाकिस्तान का ही बॉलर हिला के रख देता था 5 विकेट एक ही मैच में, ठीक है। तो पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग में तगड़ा रहा, पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ तक पता चल रहा है, ओके। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट में हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना है, मतलब बादल छाए रहेंगे 35% कह सकते हैं, तो 35% हल्का फुल्का ही हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, अब रात के बाद ही पता चलेगा कल, ओके। अब न्यूजीलैंड की प्लेयर्स की अगर बात करूँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, इसको की प्लेयर्स बोलते हैं, ताला का चाबी, ओके। ये आपको ग्रैंड लीग को खोल के रख सकते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं ताले की चाबी। तो डेवन कॉनवे हो सकते हैं, ये हमारे 24, 59, 25 और ये 28 दोस्तों देख सकते हो। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन की बात करो तो 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ओके। केन विलियमसन की बात किए तो भाई 94, 61, 40, 8, 23, भाई विलियमसन की बात ही अलग है, मज़ा आता है भाई इस खिलाड़ी का नाम लेकर के मेरे को, ठीक है। टीम सऊदी की अगर बात करें, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1, वाह सऊदी वाह, क्या बात है यार, ये सब बॉलर है, कभी ब्रेक नहीं होना इनको। टॉम लैथम की बात की जाए भाई तो 145, 0, 43, 69, 0, वाह वाह मेरे भाई टॉम लैथम, इनका सिस्टम मेरे को ये लगता है ना कि एक में साला चलना है, एक में आउट होना है, एक में चलना है, एक में आउट होना, ये सिस्टम चल रहा है। हो सकता है इस मैच में ना हो ऐसा, ट्राई कीजिएगा लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये रिकॉर्ड यहीं रह जाता है ना, 0-0-0 दिखा रहा है, ये यहीं रह जाएगा, कल का मैच में कुछ और हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है 145 की जगह कम मारे, बात की बात है, ओके, 69 की जगह कम मारे, 43 की जगह कम मारे, बात की बात है, मगर मार सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। ये नहीं देख के ले जाना है कि भाई एक में 0 आ रहे हैं, एक में चल रहे, तो हम 0 फेस, जैसे यहाँ देखिए रिकॉर्ड टूट गया ना, यहाँ 0 था, यहाँ पर 0, यहाँ चले, यहाँ देखिए नहीं नहीं ना 0 ना, ये सब होता है दोस्तों, ऐसा ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम, ठीक है। अब यहाँ पर मिचेल ब्रैकवेल की अगर बात की जाए तो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, वाह भैया वाह, इसको बोलते हैं मतलब कि कंसिस्टेंट, जो है बेटा मेरा उस तो हम लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर ब्रैकवेल का काम, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, मेरा 2 है तो 2 पिक्स हम लेके रहेंगे। टीम में होता है ना, जैसे जैसे मान लीजिए पार्टी करने जा रहे हैं, हाँ कितना तैयार है, 500 मेरा फिक्स है, अब तो पार्टी कभी भी कर 500 मेरा फिक्स रहेगा, तो ये फिक्स है इनका 2 विकेट भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पाक की प्लेयर्स की बात करें तो इमामुल हक, ठीक है, इमामुल हक का भाई 6, 2, 62, 72, 65, भाई इमामुल हक भी खतरनाक प्लेयर लग रहे हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड देख करके कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद नवाज की बात की जाए तो 1 विकेट 4, 28, 0 विकेट और ये 22 रन, ठीक है। फकर जमन की बात की जाए तो 20, 0, 13, 15 और 53, बाबर आजम की बात करें तो 53, 25, 6, 4, 4, मोहम्मद रिजवान की अगर बात किया जाए तो 57, 32, 4, 49, 14, नसीम शाह 5 विकेट, हमने बताया था 0, 1 विकेट 1 विकेट 0, ठीक है। तो ये था कुछ दोस्तों की प्लेयर्स, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप चेंजिंग भी कर सकते हो, कोई जो नहीं, नसीम साहब 5 विकेट ले लिए तो पिछला मैच भी 5 विकेट ले ही लेंगे, मतलब पिछला का मतलब जो आने वाला, ठीक है, अपना दिमाग लगाना, इसी को बोलते हैं ग्रैंड लीग बाबू,
ग्रैंडलिंग इसी को बोलते हैं, दिमाग यहाँ बहुत चलता है, ठीक है, लगाना पड़ेगा आपको, नहीं लगा पाए थोड़ा मोटा दिमाग, हमसे भी कुछ आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे? आपको मेरे टेलीग्राम पे आना है, टेलीग्राम का लिंक क्या है भैया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। कोई पैसा नहीं लेते हैं हम, फ्री में काम करते हैं। और बहुत लोग का भाई कमेंट आ रहा है कि आप पैसा लेते हैं, बहुत लोग का मतलब दो चार लोग का आता है कि भैया आप प्रेम टीम की जगह पर मेरे को पैसा लिए हैं। मैं उनको सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला चैलेंज उनको कमेंट के जरिए ही रिप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट रिप्लाई सब सभी का करता हूँ, उनका भी करता हूँ भाई मेरे। और वीडियो के माध्यम से भी मैं अभी करना चाह रहा हूँ, जो लोग कमेंट ना कर पाए कि भाई मैं उनका पैसा लिया हूँ, उनको मैं बोलना चाहता हूँ खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि आप अगर एक बाप के औलाद हैं तो मेरे को आप जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे को अपना आप स्क्रीन शॉट दीजिए कि किसको आप पैसा दिए हैं, ठीक है। और रही बात जिस नंबर पर आप पैसा भेजे हैं मेरे भाई, जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर पर पैसा भेजो उस पर आप जाकर पुलिस कंप्लेन करिए, अगर एक बाप के औलाद है तब, और नहीं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है तो आपको जिंदगी भर लूटा जाएगा, आप देते रहेंगे ऐसा। मैं हमेशा मना किया हूं कि कोई भी आपसे पैसा एक भी मांगे प्राइम टीम के बारे में, कोई भी एक रुपए मांगे तो मत देने का, ठीक है, नहीं देना, एक भिखारी को दे देना, अगर भिखारी आपको दुआ दे दिया तो आप जीत सकते हैं, लग सकता है आपकी ग्रैंड लीग, मगर वो कमीना को जिसको देंगे ना वो आपको पैसा लेकर कुछ नहीं देने वाला, बस झंडू टीम उठा के कोई भी दे देगा। अरे हम भी दिए, मान लो मेरा प्राइम टीम हम दे रहे हैं, पैसा दोगे हमको भाई, दोगे हमको भाई, कैसे पता चला प्राइम प्राइम का होता है? कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए ये मोहम्मद रिजवान को हम प्राइम टीम में शामिल कर लिए, चलो ठीक है, कल को ना चले तो क्या हो गया, प्राइम घुसुड़ जाएगा। अब हम कहा बोले वीडियो में यार, इसलिए जो जाता है प्राइम के चक्कर में सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और एक बाप के जो औलाद है मेरे को लिखता है जो कमेंट में भाई एक आध दो लोग कि भाई आपने पैसे लिए, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर अपना स्क्रीन शॉट दीजिए, मैं भी सामने बोल रहा हूँ एकदम सीना ठोक के कि वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई ये भाई देखो इसको पैसा दिया है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, वीडियो में प्रूफ करूँगा, ऐसे मुँह में बोला नहीं, ऐसे हवा हवाई नहीं करता बात, ओके ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, एक बाप के औलाद तो पक्का, देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। ऐसे बहुत लोग का मैं लिख चुका हूँ, जो लोग लिखते हैं ना ऐसे बहुत लोग को मैं लिखा, मैं कोई साल एक बाप का नया नहीं मिला मेरे को, आज तक नहीं कोई मेरे को भेजा कि हाँ भाई ये देखो स्क्रीन शॉट तुमने ये पैसे हमसे लिए थे, आज तक नहीं भेजा, कमीने लोग। ओके चलिए बेनू स्कोरिंग स्टेटस की बात करें, टोटल मैचेस 52, बैटिंग फर्स्ट ओवर 24 और बॉलिंग फर्स्ट ओवर 26, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 244, टू इनिंग एवरेज स्कोर 212, यहाँ पर देखते जाइए कट 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 यहाँ पर, ठीक है, हाईएस्ट टोटल 374 पे 4, लोएस्ट टोटल 115 पे 10, हाईएस्ट चेज 310 पे 4, लोएस्ट डिफेंड 153 पे 10। चलो भैया आगे चला जाए, न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 11 लोग कौन कौन खेलने वाला है, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, कंफर्म प्लेइंग 11 इसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई आज मान लीजिए हम लॉकी फर्गुसन का बात आपके सामने कर लिए, कल को ये नहीं खिलाया कप्तान, चाहे टीम मैनेजमेंट नहीं खिलाया, अब अगर कैसा बुढ़ बकवा है रे, कैसे बताया कि नहीं खेल रहा है कल को, ये अपने हाथ में नहीं, ये कन्फर्म नहीं है, पॉसिबल कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, ये लोग खेल सकते हैं कल के मैच में। कौन कौन है न्यूजीलैंड से? पहला में है फिन एलन विकेट कीपर, दूसरा में है डेवन कॉनवे, ठीक है, तीसरा में रहेंगे केन विलियमसन अपना कैप्टन रहेंगे, और चौथा में रहेंगे टॉम लथम विकेट कीपर ये भी है, पांचवें में रहेंगे डेरी मिचेल, और छठे में रहेंगे ग्लेन फिलिप्स, पाँचवें में रहेंगे ये सातवें में रहेंगे मिचेल ब्रैकवेल, और आठवें में रहेंगे मिचेल सैंटनर, और नौवें में रहेंगे यहाँ पर हैनी सिपली, और दसवें में रहेंगे टीम साउथी, ग्यारहवें में रहेंगे लॉकी फर्गुसन। दोस्तों ये था अपना न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान प्लेइंग 11 को भी जान लीजिए, यहाँ देखिए पाकिस्तान का प्लेइंग 11 ये है, तो भाई फर्स्ट में रहेंगे फ़खर जमन, दूसरे में रहेंगे इमामुल हक, तीसरे में रहेंगे बाबर आजम कैप्टन है ये, चौथे में रहेंगे मोहम्मद रिजवान यहाँ पर देख सकते हैं विकेट कीपर, पाँचवें में हरीश सुहेल, छठे में रहेंगे आगा सलमान, सातवें में रहेंगे मोहम्मद नवाज, आठवें में रहेंगे उमरान मीर, और नवें में रहेंगे मोहम्मद वसीम, दसवें में रहेंगे नसीम शाह यहाँ पर, और ग्यारहवें में रहेंगे हरीश रऊफ। दोस्तों ये थे कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा नाम जब मैं ले लिया तो इसके बारे में बता दूं आपको ये कौन कौन क्या है, तो उससे पहले आप देख सकते हो दोस्तों ये जो मैच होने वाला है इसमें आपको एक रुपये का लगाने का ऑप्शन मिला है, इसमें 1000 विन कर सकते हैं, जिससे कि विन करके आप जिस फैंटेसी पे खेलते हैं बड़े वाले पे उस पे आप 1000 जब विन करेंगे इसमें ना तो आप उसमें 20 बार टीम लगा खेल सकते हैं, 20 टीम मतलब लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एक वीडियो बनाकर रखा हूँ अभी, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जैसे मैं अभी बोला हूँ ना आपको, वैसे ही एक सब्सक्राइबर सुने
और क्या है चौहान जी, हाँ सुने और उसको डाउनलोड करिए लिंक को, इस लिंक को तुरंत डाउनलोड किए। और लिंक डाउनलोड करते ही पहला दिन ही लगाया वो फर्स्ट रैंक पे आ गया 10,000। वो आके बोले भी कि भैया हम इससे पिछला है, मतलब कि बहुत दिन से मैच खेल रहे हैं, अब बड़ा वाला जो ग्रैंड लीग होता है ना वहाँ पर मैं लगाता हूँ, बस वहाँ 49 ही आ पाता है हग मुत करके, मतलब कि पूरा करने के बाद 49 आ पाता है, भाई उससे ज़्यादा नहीं आ पाता। मगर इसमें पहली बार ही हम लगाएं तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उनका वीडियो भी बनाया हुआ है, हो सके तो एक दो दिन बाद पब्लिक कर दूँ, नहीं तो मूड सन का तो आज भी पब्लिक कर दूँगा, ठीक है, मूड के ऊपर है। ओके, जरूर देखिएगा। तो भाई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए मेरे कहने पर। भाई मैं ऐसे ही आपको नहीं नहीं बोलूँगा, मैं कभी आपको नीचे गड्ढा में नहीं गिराना चाहता, ठीक है, कुछ इसमें बात है तभी मैं बोला। इसमें देखिए 1 रुपये आप लगा करके ऐसे 1 रुपये का टीम ऐसे बना करके आप 1,000 रुपये ऐसे जीत सकते हैं। और रही बात इसमें आएंगे आप तो आपको फ्री रोल का ऑप्शन वगैरह बहुत कुछ कभी कभी मिलता है, जैसे इंडिया और श्रीलंका का मैच दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको फ्री रोल यहाँ पर मिला था, फ्री रोल मतलब फ्री में आप इस टीम को लगा सकते हो 49 रोल, ठीक है। अब इसमें आने का मकसद क्या है, देखिए इसमें जब आएंगे आप देखिए इनका क्या है रिकॉर्ड, आप खुद देख पाएंगे अपने आंखों से, अपने आंखों के पलकों से देख पाएंगे मेरे दोस्त। ये देखिए 27, 15, 20, 11, 93 जो हम आपके सामने रट रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिल एलन, टॉम लथम, ये सब पूरा दिखाता है दोस्तों रिकॉर्ड आपके सामने ये सब, ठीक है, मतलब कि पॉइंट ये दिखाता है कितना कितना पॉइंट कौन कौन मारा, इससे आप और भी आसानी से टीम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई करिए और एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी को मतलब जो ट्राई भी करिएगा, वो प्रोमो कोड है, ठीक है, उसको डालेंगे 50 रुपये मिल जाएगा, 49 रुपये सॉरी नहीं 50 ही मिलेगा, ठीक है, 49 मतलब लगाना है, और 49 लगाएंगे तो जैसे इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ तो उसमें 100% बोनस यूज भी था, 49 का बोनस भी लग रहा था, मतलब कि फ्री रोल का एक टीम बन गया आपका, एक 49 का बन गया, दोनों फ्री मतलब बन गया आपका, मतलब कि दो टीम आपके फ्री में यहाँ पर बनकर तैयार हो गए, बाकी 1-2 रुपये जितना है लगाते रहिए। अरे भाई लगा के देखिए मज़ा ही कुछ अलग आएगा, ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। अब चलते हैं अपना मेन बात पर, न्यूजीलैंड पाक हेड टू हेड की बात करें, यहाँ पर टोटल 104 ओडीआई मैच खेला गया है और पाक 56 वन किया है और 48 वन किया भैया न्यूजीलैंड, ठीक है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पाक विन 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 सारा विन करके आ रहा है, मतलब कि कॉन्फिडेंस हाई लेवल, और न्यूजीलैंड की बात करें तो लॉस नो रिजल्ट विन, ठीक है, इनका ये है, तो पाक का कॉन्फिडेंस यहाँ पर काफ़ी हाई है दोस्तों। स्मॉल लीग मस्ट पिक की बात करें तो पाक नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, न्यूजीलैंड से मिचेल ब्रेकवेल और ग्लेन फिलिप्स, ठीक है। और ग्रैंड लीग रिस्क के पिक की अगर बात की जाए तो पाक से हरीश रऊफ, इमामुल हक, न्यूजीलैंड से डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन। डेथ ओवर बॉलर की बात की जाए तो पाक से हरीश रऊफ, नसीम शाह, न्यूजीलैंड से टीम साउथी, लॉकी फर्ग्यूसन, मतलब कि डेथ ओवर दोस्तों ये होता है, डेथ ओवर मतलब कि लास्ट में बॉलिंग करना होता है, ठीक है, डेथ खत्म बाजार में, ओके। अब बेस्ट सीवीसी की अगर बात की जाए तो डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड इंजरी की बात करें तो नो अपडेट, कोई नहीं है। और ज्वाइन द टेलीग्राम दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल आता है भैया आप टीम एक बना के मोटा मोटी दिखाया गया, देखिए अब टीम इसमें कैसे बना सकता है आदमी, मैं रिकॉर्ड बताया आपको, ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ दिखाया जाए, रिकॉर्ड के हिसाब से अगर चलेंगे हम, इसमें बहुत चीज़ देखना पड़ता है दोस्त कि पिछला मैच में क्या परफॉर्म था, कितना परफॉर्म सिलेक्शन है, क्या है, ऐसे करके पूरा टीम जो है कि बना के देना पड़ता है। हवा हवाई में तो कोई भी ऐसे जैसे लोग दिखाते हैं आपको ऐसे करके टीम हम बना दिए, ये ले लिया मिचेल ड्रेकवेल, ये वो ताहिर वाहिर जो भी मतलब कि फकर जमान ऐसा करके ले लिया, ठीक है, ऐसे तो हम मेरा दिखाना देखिए मकसद नहीं है, ठीक है, दिखाएं कि लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिए। और रही बात बल्लेबाजी की तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए इसको भी दोस्तों, और ए गुरु जी कोड डालिए, पट से 49 रुपये फ्री में पाइए दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर टीम बनाकर नहीं दिखाते, अब दिखा दिए इससे क्या मतलब मिला आपको, कोई फायदा मिला इससे, कुछ नहीं होता इससे, देख सकते हैं ये प्रॉपर रिसर्च और रिकॉर्ड के हिसाब से, और लास्ट में पता चलता है मेरे भाई, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी अगर 24 घंटा पहले बता रही है तो कुछ नहीं है, क्या है ये, कुछ नहीं है परसेंटेज यहाँ पर, ये 24 घंटा के बाद जब लास्ट का समय आएगा परसेंटेज यहाँ पर कुछ और रहता है, उस समय का मेन अपडेट जो है ना सही रहता है, ठीक है, इसलिए हम टीम नहीं देते, बात को समझा कीजिए, नहीं तो हमको भी कोई ये नहीं था कि भाई हम टीम ना दे, आप लोग को टीम तो देते हैं भाई, टेलीग्राम पर आइए वहाँ पर ना, वहाँ पर फिट रहता है, सही समझ में आता है लास्ट में, इसलिए नहीं देता बस, और कोई बात नहीं, नहीं तो हमको बना देने का, ऐसा करके हो गया ना, यहाँ से देखिए एक और किसी को हम किसी और को मान लीजिए चूज़ कर लेंगे, एक इसमें से कहाँ गया भाई, आ जा लीजिए कौन भी हो गया, इसमें ऐसे करके दिखा दिए, हो गया लीजिए भाई, ये टीम आपका बन के तैयार हो गया, तो ये टीम यार वो टीम थोड़ा रह गया यार, ऐसे जब देना ही रहता तो बात की बात है, ठीक है, ऐसे नहीं होता वहाँ, यहाँ पर देखने के बाद देखिए यहाँ पर टीम आपका बन के तैयार हो गया, देख लीजिए बस हो गया, यही सवर हो गया इतना से आपको, ये नहीं है सही है, ठीक है, हमारा मकसद कुछ अलग है जो हम पूरा करते भी हैं और करते रहेंगे वही मकसद से, ऐसे बनाना मेरा वो नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके तो आज जाना ही है, अगर नो जो मतलब आज नहीं गया
वो तो गया काम से तब फिर ठीक है चलिए फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।